नमस्कार पशुपालक भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका दिनू डेयरी फार्म में। तो दोस्तों, आज हम आए गुजरात के अंदर भावनगर जिले में और पूरा एड्रेस भैया से जानेंगे इनके पास में कितनी गाय है अभी सेल के लिए। नमस्कार भैया। नमस्कार, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है मनु भाई मेर। हाँ? मेरा गाँव का नाम है मांडवा। अच्छा, जिल्ला है हमारा बोटाद। अच्छा, बोटाद जिला लगता जी, है ना जी। तो राजकोट भावनगर हाईवे पे है मांडवा गांव, तो यहाँ पे इनका ये फार्म बना हुआ है, तो यहाँ पे सभी पशु को रखते हैं। तो अभी टोटल आपके पास में कितनी गाय है? अभी मेरे पास है ब्लैक बछड़िया है दो और एक व्हाइट श्वेत कपिला है। अच्छा, तो अभी इनके पास में गाय नहीं है, केवल बछड़ी है, आप देख रहे हो तीन है। तो दो तो ये श्याम कपिला बोलते हैं और उधर वो श्वेत कपिला है, तो तीन है इनके पास में। तो तीनों की डिटेल जान लेते हैं। किसी भी भाई को चाहिए तो इनके कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आके देख के अच्छे से संतुष्ट होके आप खरीद सकते हो। तो जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल। ये कितने महीने की है भैया? ये अभी 13 महीने की हुई। अच्छा, मात्र 13 महीने की है। तो अभी दूध पिलाते हो या नहीं? नहीं, अभी छोड़ दिया। अच्छा, तो इसकी ज्यादा डिमांड रहती है ना, बहुत कम चांस में मिलती है। बहुत कम मिलती है क्योंकि रेड कलर में काबरे कलर में मिल जाती है, पर ये कलर बहुत कम चांस में मिलता है। जो भी भाई शौक से खरीदते हैं वो ये मतलब श्याम कपिला बछड़ी जरूर खरीदते हैं। तो आप किसी भी भाई को चाहिए तो आप ये खरीद सकते हो। बहुत अच्छी है हाइट लेंथ, बॉडी का स्ट्रक्चर और आगे की फेस की बनावट आप देख सकते हो, और कान भी इसके लंबे हैं। लाइन में ये गोपाल की बछड़ी है, जो बाड़ियात मंदिर में गोपाल नाम का फूल है। हाँ, हाँ। अच्छा, उसका हमने 20 दान लगवाया था। अच्छा, गोपाल, तो ये बछड़ी उसकी है, गोपाल की। तो इसे मदर का मिल्क रिकॉर्ड कितना होगा? 7 से 8 लीटर एक टाइम का। अच्छा, 7 से 8 लीटर है ना, 14 लीटर या 15 लीटर करीब पूरे दिन का दूध होता है इसकी माँ का। तो दोस्तों, अब दूसरे नंबर की बछड़ी इसके बारे में जानते हैं। ये भी श्याम कपिला है। ये कितने महीने की है? ये 10 महीने की। अच्छा, 10 महीने की, बहुत अच्छी तैयार हुई है, आप देख सकते हो 10 महीने में भी। इसका फादर कौन सा है? इसका भी गोपाली है। अच्छा, गोपाली है ना, वो पूरा श्याम कपिला है। तो देख लो, पाड़ियात मंदिर यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है हमारे बोटाद के पास। अच्छा, उसका मतलब इसका फादर है। इसकी मदर का मिल्क रिकॉर्ड? इसका भी 7-8 लीटर ही है। अच्छा, 7-8 लीटर है ना। बहुत अच्छी बछड़ी है, बॉडी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी दुबली पतली नहीं है, हाइट में भी अच्छी है। तो इसको कैसे क्या तैयार करते हो आप बछड़ियों को शुरुआत से लेके लास्ट? शुरुआत से हम क्या है, दूध अच्छे से उसको पिलाते हैं, पूरा 2 थन 3 थन पूरा पिला देते हैं। अच्छा, पूरा पिला देते हैं, इसलिए तो बढ़िया बनती है, अच्छी बनती है। फिर खान दान पे चले जाते हैं। हाँ, तो बॉडी टेक्सचर सब अच्छा रहता है उसका। तो ये बछड़ियों को कितना खिलाते हो, फीड वगैरह? दाना फीड वगैरह रोज 1-1 किलो दे देते हैं। अच्छा, रोज 1-1 किलो? हाँ। पूरे दिन का 1 किलो एक बछड़ी के लिए हो जाता है। अभी छोटी है, इसीलिए आप देख रहे हो बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है हाइट में, और बहुत प्यारी है। आप इसका आगे का फेस देख सकते हो और कान देख सकते हो, एकदम ओरिजिनल है के अंदर, बहुत अच्छी बछड़ी है। अब जानते हैं तीसरे नंबर की बछड़ी के बारे में। ये श्वेत कपिला है, ये कितने साल की है? ये अभी हुई 15 महीने की। अच्छा, 15 महीने की हुई है ना। तो ये भी बहुत कम चांस में मिलती है देखने को, 100 में से आप देख लो एक गाय या बछड़ी मिलती है देखने है। तो इसका फादर कौन सा है? ये हेरी की बछड़ी है, जो राजमोती गौशाला कोडिनार में हेरी बुल के। हाँ, हाँ, इसका फादर हमने देखा है, राजमोती गौशाला के अंदर है। हाँ, हेरी नाम का, बहुत अच्छा बुल है वो भी, हाइट लेंथ बॉडी स्ट्रक्चर में देखे तो बहुत अच्छा है। तो बछड़ी भी बहुत अच्छी है इसकी। तो ये 15 महीने की है, तो अभी दाना वगैरह तो नहीं खाती है? दाना बाना सब खाती है। अच्छा, सब खाती है ना। दूध कितने दिन तक पिलाया था? दूध इसको 7-8 महीने तक पिलाया था। अच्छा, 7-8 महीने तक पिलाया ना। तो ये भी कोई भाई शौक से खरीदना चाहता है श्वेत कपिला बछड़ी, तो आप खरीद सकते हो, बहुत अच्छी है। तो ये कितने महीने में देखे तो क्रॉस हो जाएगी? 2 साल के बाद हो जाती है। अच्छा, 2 साल अच्छा खाना पीना होगा तो 2 साल के बाद हो जाती है आराम से। अच्छा, खाना पीना, वरना 3 साल लग जाते हैं। अच्छा, अच्छी केयर होती है, तो देख सकते हो अभी तो इसकी अच्छी केयर ही है। कोई भी भाई खरीद के ले जाए तो भी अच्छी केयर करेगा तो आराम से 2 साल में कंसीव हो जाएगी। 15 महीने की है, 5 आप देखे तो 6-7 महीने और बाकी है, बाकी अच्छे से तैयार करेगा तो आराम से हो जाएगी। और बहुत अच्छी है लंबाई, आप देख सकते हो हाइट भी इसकी अच्छी है 15 महीने में देखे तो, और दुबली पतली बिल्कुल भी नहीं है। इसके सींग निकाले हुए है ना? सींग अभी निकाले इसके, क्योंकि अच्छे बने मजबूत। अच्छा, उसके लिए इसीलिए इसका सींग निकाला है, 15-20 दिन में वो ठीक हो जाएगी। हाँ, हाँ, सींग ऊपर से उसका कोबड़ा आता है ना, वो निकाल देते हैं हम। अच्छा, उसके लिए ना। तो भैया, जैसे कि आपके यहाँ से मतलब गाय सेल होके कहाँ कहाँ तक जाती है?
हमारी गाय महाराष्ट्र पुणे बेंगलोर उड़ीसा तक जाती है। अच्छा, सभी जगह जाती है, सभी जगह पे आउट राज्य में। तो अभी तो केवल बछड़ियां हैं, बहुत सारे भाई हमें बोलते हैं कि गाय की वीडियो बनाते हैं तो बछड़ियां कहाँ पे सेल करते हैं, वो वीडियो बनाओ। तो भैया के पास में बछड़ियां भी रहती है हमेशा सेल के लिए अवेलेबल, तो आप बछड़ी और गाय के लिए इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और गाय भी इनके पास में रहती है और नॉर्मल कम रहती है इनके पास में, अच्छी ब्लड लाइन वाली ब्रीड वाली गाय इनके पास में ज्यादा रहती है। बछड़िया भी इनके पास में अधिकतर अच्छी मतलब ब्रीड वाली देखने को मिलती है। तो कोई भाई शौक से या ब्रीडिंग के लिए कोई गौशाला के लिए खरीदना चाहता है तो आप खरीद सकते हो। वो बछड़ा भी हेरी का है और तैयार कर रहे। अच्छा, वो भी है ना। हाँ। वो सेल के लिए है। नहीं, अभी तो नहीं सेल करने का है, अभी तो दूध पी रहा है। अच्छा, ये बछड़ा दूध पी रहा है, बड़ा होने के बाद वो देने का है। ये भी हेरी का ही बछड़ा है, बहुत अच्छा है। ये दूध अपनी माँ का जब छोड़ देगा ना तब अपने को बेचने का है। अच्छा, अभी तो इसकी माँ भी अपने को रखने की है, खाली बछड़ा देने का है लेकिन बड़ा होने के बाद। अच्छा, तो ये कितने महीने का? अभी तो ये एक महीने का ही हुआ है। अच्छा, एक महीने का। पूरा दूध इसकी माँ का हम पिला देते हैं। बहुत अच्छा है। इसकी माँ का कितना दूध देती है इसकी माँ? अभी इसको इसकी माँ को 6 लीटर दूध एक टाइम का। अच्छा, 6 लीटर जी, बहुत अच्छा है। देख लो, कोई भी चेक करके ले जाने का ब्लड इसका, ये ना बहुत अच्छा। ये भी तैयार करेंगे तो बाद में सेल करेंगे। किसी भाई को चाहिए तो भी आप इसके लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो 5-6 महीने बाद में। बहुत अच्छा बछड़ा है। तो दोस्तों, ये सभी बता दिए आपको, वो 3 उधर सेल के लिए अवेलेबल है। तो आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट करें और इनके फार्म पे आओ, विजिट करके आप संतुष्ट होके गाय भी खरीद सकते हो यहाँ से और बछड़िया भी खरीद सकते हो। और पूरी जिम्मेदारी से हम ट्रांसपोर्ट सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। अच्छा, जिम्मेदारी वो सारी रहती है आपकी। किसान के घर तक हम पहुंचा देते हैं आराम से। अच्छा। पेपर सब क्लियर बना के। अच्छा, सारी पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये पहुंचा देते हैं। ट्रांसपोर्ट की सारी सुविधा इनके पास में रहती है। कोई बार भाई बाहर से भी आता है तो भी उनके लिए सभी व्यवस्थाएं यहाँ पे हो जाएगी। तो आप एक बार विजिट करो इनका फार्म और देख के आराम से संतुष्ट होके खरीद सकते हो।